जिला सिरमौर के राजकुमार एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। कुछ समय पहले ही इन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाया था। राजकुमार अपेंडिक्स से पीड़ित थे और अपना इलाज करवाने के लिए वे सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया। आयुष्मान भारत योजना इनके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि इनका अपेंडिक्स का मुफ्त और सफल ऑपरेशन हुआ है। खास बात यह है कि राजकुमार को ऑपरेशन और दवाओं के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करना पड़ा। उनका कहना है कि आयुष्मान भारत योजना उनके लिए जीने का सहारा बनी है। मुझे अपेंडिक्स की बीमारी थी और मेरा ऑपरेशन आयुष्मान फ्री में हुआ है और मैं अब थोड़ा तंदुरुस्त हूँ। बहुत अच्छी योजना है गरीब लोगों के लिए, लोगों का फायदा होगा सर। राजकुमार के भाई राजेश ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से उन्हें बड़ा सहारा मिला है और हजारों रुपए का इलाज मुफ्त में संभव हुआ है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हमने आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाया था, जिससे मेरे भाई का ऑपरेशन फ्री हुआ है। ये योजना काफ़ी लाभकारी है और हमें काफ़ी फायदा हुआ है इसके तहत, और इस योजना का सबको लाभ उठाना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना अब जन जन की योजना बन रही है और हजारों रुपए की दवाइयां मुफ्त में पाकर मरीज बेहद खुश हैं। निश्चित रूप से समाज का एक बहुत बड़ा तबका योजना का लाभ ले रहा है और प्रदेश में 21 लाख लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य है। डीडी न्यूज के लिए सोलन से लक्ष्मी दत्त की रिपोर्ट।